हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके मित्र डॉक्टर अर्चना फ्रॉम माइंड हिप्नोटिज्म चैनल। आज हम बात करेंगे किस प्रकार अपनी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव बनाएं और उन्हें पॉजिटिव ही मेंटेन रखें, और ये किस प्रकार सिर्फ और सिर्फ आपके ही हाथ में है फ्रेंड्स। दोस्तों, ये जो जीवन है इसमें जब भी चुनौतियाँ, संघर्ष, दुख दर्द, धोखे, डिस्प्यूट्स, ये सब जब आते हैं तो हम सब महसूस करते हैं तलखी या बिटरनेस, अन्याय होता महसूस करते हैं, दुखी, आहत और हारा हुआ महसूस करते हैं अपने आप को। ऐसे समय में हमें क्या करना है फ्रेंड्स? अगर हमें लगता है कि हम सही हैं और हमारे पास अपने तथ्य हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, तो हम क्या करते हैं? सीधे सीधे बहस करना शुरू कर देते हैं। बहस करने में बहुत सारी बहस करनी पड़ती है। नंबर वन, अपने फील बैड हॉर्मोन्स हम अनजाने में हम सीक्रेट करा लेते हैं और फिर अच्छा नहीं महसूस करते। और अगर हम बहस जीत जाते हैं तो जिससे बहस जीतते हैं उस व्यक्ति को हमेशा के लिए खो देते हैं। होता है ना ऐसा? दोस्तों, मैंने भी जीवन के कई दशक ऐसा ही किया है और अंत में सोचती रहती थी कि ये जो हुआ ये अच्छा नहीं हुआ। अब इसके बाद और लर्निंग जब की मैंने, तो मैंने कुछ चीज़ें सीखी जो बेहतर चीज़ें हैं, जो मैं आपके साथ अभी साझा करने जा रही हूँ। जब भी हमें कभी नेगेटिविटी लगने लगे कि आ रही है, तो हम कुछ बातें कर सकते हैं। सबसे पहले, मैं ये कतई नहीं कह रही हूँ कि गलत चीज़ें मान जाएं। अगर हम ऐसा करेंगे तो पढ़ने लिखने का फ़ायदा ही क्या हुआ। अगर दिमाग में सही गलत की अगर हमें समझ है, तो हमें गलत के सामने घुटने टेकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस समय हमें हेड ऑन कोलिजन करते हुए बहस नहीं करनी चाहिए। हम ये भी कह के मना कर सकते हैं अगले को कि ये तो आपकी राय है जो आप कह रहे हैं। कह सकते हैं, दिस इज़ वॉट यू फील। अगर हम ऐसे कहेंगे और काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे तो लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगी और नेगेटिविटी नहीं बढ़ पाएगी, और इस सेंटेंस के ऊपर अगला व्यक्ति कैसे लड़ेगा, उसे निरुत्तर होना पड़ेगा। ये कहें और हट जाएं वहाँ से। या फिर अगर कुछ गलती हो ही गई है खुद से, तो उस चीज़ को सुने, समझें और गलती समझ में आ जाए तो सुधार लें। अगर कोई परेशान करने के लिए कह रहा हो तो सिंपल चीज़ है, ध्यान ही ना दें, इग्नोर कर दें। अगर कोई कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, तो मन में इस चीज़ का काउंटर एफर्मेशन रिपीट करें और उल्टा इसका रिपीट करें और कहें कि मैं ये अवश्य कर सकती हूँ, कह सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ और मैं ये करूँगी ही, और अपने गोल्स बनाएं और काम पे लग जाएं। टाइम के साथ उस व्यक्ति को भी गलत साबित कर दें गलत चीज़ के ऊपर, और अपने को भी सही साबित कर लें और अपना जीवन बना लें। इसके बाद जो सबसे मेन चीज़ मुझे आज के टॉक में कहनी है आपसे, वो है अपने बिलीफ सिस्टम पर वर्क करें, अपनी पॉजिटिव भावनाओं को सशक्त बनाएं। कैसे बनाएं? एक छोटा सा सेंटेंस बनाएं पहले, जो भी इशू है उसी के ऊपर सेंटेंस बनेगा। जैसे अगर हम अशांत महसूस कर रहे हों तो हम बोल सकते हैं कि मैं शांतिपूर्ण हूँ, आई एम पीसफुल। इसको बार बार रिपीट करें, मिरर में देख के रिपीट करें, या ऑडियो बनाकर उसको सुनते रहें, या कोई अच्छा सा म्यूज़िक पीसफुल सा लगा के साथ साथ बोलते रहें, या आंखें बंद करके बैठें एक मेडिटेशन के रूप में, इसको मन ही मन बार बार इसकी भावना करते रहें। और इस बीच में जब भी ये करेंगे, उस दौरान, उन दिनों, उन हफ्तों, आएगा ये विचार इसका उल्टा भी कि अरे ये कैसे हो सकता है, मैं तो ठीक से सो नहीं पाती, मैं कहाँ से पीसफुल हूँ। तो जब ये आएगा तो उसे आने दें, लेकिन जितनी बार वो आएगा उससे ज़्यादा बार हम अपनी एफर्मेशन रिपीट करें, तो नेट बैलेंस क्या होगा? नेट बैलेंस वही हावी हो जाएगा जो हम ज़्यादा करेंगे,
और इस तरीके से हम अपने लिए स्टेटमेंट बना के अपने लिए हम श्योर फील करें, खुद पर विश्वास करें और इसी से वाइब्रेशंस पॉजिटिव हो जाती हैं। आपको सुनकर लगेगा कि कैसे होगा, मैंने भी जब ऐसे सीखा था तो मुझे लगता था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। दोस्तों, मेरा ये अनुभव है, अगर डाउट करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा और इस पर अगर यकीन करेंगे तो करेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये फॉलो किया और काफ़ी बेटर ऑफ हो गए हैं, बहुत खुशहाल लोग हो गए हैं, मैं भी उन्हीं में से हूँ। तो अगर आप मुझ पर यकीन करें तो ये चीज़ आप करके देखिए और आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। हो सके तो आप इसको एक और बार सुन लें और फिर लग जाएं काम पर। वीकेंड है ही, थोड़ा बहुत टाइम होगा, मेरे पास भी है। लेट अस ऑल डू इट टुगेदर। आपके खुशहाल जीवन की कामना करते हुए साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, विल मीट यू टुमारो अगेन। टेक केयर एंड स्टे ब्लिसफुल। बाय।